फरमाया मक्के दे इक मोल जाती मारे रंग दा भी गोरा है जात दा भी चौधरी है अठ किलो सोने दा मालिक है फरमाया सोना नहीं लगेदा फरमाया मक्के दे दूसरे मोल जाती मारे रंग दा भी काला है जात दा भी गुलाम है टुटी हुई जुती पान वाला उदा लिबास तार तार है हालत दिल फिगारे चेहरे ते गर्दो कबारे आवाज आई एदे नाली प्यार क्योंकि एदा नाम बिला ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਤਰਜਮਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਬੂਬ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਫਾਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਦੀਗਰ ਅੰਬੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਵਨ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰ ਰਫਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਇਲੈਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰੀ ਫਾਤਾ ਕੀਤੀ ਬੁਲੰਦੀ عطا ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਦਰੀਸ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵਰਫਾਨਾਹੁ ਮਕਾਨਨ ਅਲੀਯਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਕਾਮ ਵਰੀ ਫਾਤਾ ਬੁਲੰਦੀ عطا ਫਰਮਾਈ अपने महबूब की वारी आई तो इरशाद फरमाया वरफाना लका ज़िक्रा फरमाया महबूब असा तुहाडे ज़िक्र नु तुहाडे वास्ते बुलंदी अता फरमा देती अर्ज़ कीती या अल्लाह दीगर अंबिया दी वारी भी लफ्ज़े वरफाना ते अपने महबूब वारी भी लफ्ज़े वरफाना तो फर्क कीजिए फरमाया दीगर अंबिया दी ज़ात ना लफ्ज़े वरफाना कमली वाले तेरे ज़िक्र ना लफ्ज़े वरफाना मक्का नात नु दसना चाहना कि इन्नी बुलंदी मक्के से नबी दी ज़ात नु अता नहीं कीती जिन्नी मोहम्मद के जिक्र नु अता फरमा देती है इरशाद फरमाया वरफाना लका ज़िक्रा बड़ा सादा जिहा तर्जमा है कि महबूब असा तुहाडे ज़िक्र नु तुहाडे वास्ते बुलंद फरमा देते है उलमा ते शरीफ फरमाने इस आयत मुबारक च तीन अल्लाह ने अल्फाज इरशाद फरमाए वरफाना लका ज़िक्रा वरफाना दा मानी असा बुलंदी अता फरमाई लका दा मानी तेरे वास्ते ज़िक्र दा मानी तेरे ज़िक्र नु इस आयत पाक जो आ जड़ा लफ़्ज़े वरफाना और ज़िक्र के दरमियान लफ़्ज़े लका है ना अगर ये लफ़्ज़े लका इस आयत च ना भी आउंदा ते जुमला फिर भी मुकम्मल सी अल्लाह फरमाना वरफाना ज़िक्र जुमला मुकम्मल सी अल्लाह फरमाया के महबूबा सा तेरे ज़िक्र नु बुलंद फरमा देते है पर अल्लाह ने इंज नहीं फरमाया वरफाना लका ज़िक्र बात मुश्किल है मगर मैं तुहानू आसान करके समझावन लगा अल्लाह ने अल्लाह ये नहीं फरमाया वरफाना ज़िक्र असा तुहाडे ज़िक्र नु बुलंद फरमा देता जुमला मुकम्मल पर फरमाया वरफाना लका ज़िक्र के महबूब असा तेरे ज़िक्र नु तेरे वास्ते बुलंद फरमाया और कुरान मजीद विच ये जेड़ा लफ़्ज़ लका एक बार नहीं अल्लाह ने बार बार फरमाया किधर फरमाया अलम नशरह लका सदरक इत्थे भी लका के महबूब असा तेरा सीना खोलिया पर तेरे वास्ते वरफाना लका ज़िक्र ज़िक्र बुलंद किया तेरे वास्ते इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना महबूब असा तेनू फतह अता कीती पर तेरे वास्ते लिया गफीरा लक अल्लाह मगफिरत तेरे वास्ते बख्शिश तेरे वास्ते यदि आगे जाके वंड करांगा केड़ी बख्शिश है आइए हुन अल्लाह कुरान च बार फरमा रहे हैं लका 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 तेरे वास्ते तेरे वास्ते या अल्लाह इंज क्यों फरमा रहे हैं असा चक्का नए दिवाली जब सारी सारी रात जाग के इबादत फरमाई ना ते अल्लाह फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैल इल्ला क़लीलन निसफहु अव इन्कुस मिन्हु क़लीला अल्लाह फरमाया मुज़म्मिल दी मुक्कल वालिया सारी रात ना जागया कर अद्धी रात आराम कर लिया कर ते अद्धी रात क़याम कर लिया कर ते महबूब ने वे के अर्ज़ कीती वला याउज़ुहु हिफ़्ज़ुहुमा अर्ज़ कीती या ज़मीन ते आसमान दी हिफाज़त करन वालिया जे ज़मीन ते आसमान दी हिफाज़त कर दे तू नहीं थकदा तेरी इबादत कर दे मैं कदों थक चले आऊं हुन कौन है दिवाली आसमान वल देख के एक पैगाम अर्ज कीता पढ़ा कुरान भाई सुभान अल्लाह फरमाओ सारे भाई नजर लबाना वाले हो मैं आया पहली बार मैनू नहीं पता तुहाडा मिजाज किवें दा है पर मैनू 23 साल हो गए ने खिताबत करदे हां तो मैं खतीब भी हां ते खतीब वो हुंदा जिहड़ा तबीब भी होवे
ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਬੋਲੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਰਜ਼ੂਏ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤਸੱਵਰ ਤੇ ਤਖਯਲ ਚ ਨਾਜ਼ਰ ਲੋਬਾਨਾ ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾਲਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏ ਮਦੀਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਕਈਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਬੇਲੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਸਹਾਰਾ ਕਰਾਓ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਗਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਉੱਚਾ ਬਣਾਈਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚਾ ਬਣਾਈਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਉਹ ਉੱਚਾ ਬੈਠਣ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਬੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਉਲਮਾ ਆਮੀਨ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੋਵੇਂ ਤੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਜਾਗਦੇ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਸ ਚੱਕ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸ ਚੱਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰ ਲੋਬਾਨਾ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੋਂਦ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਬਦ ਖਿਦਰਾ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਢਲ ਗਈ ਆ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣੀਏ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਸਲਾਤੀ ਵ ਨੁਸਕੀ ਸਲਾਤੀ ਵਨੁਸੁਕੀ ਵਮਹਿਯਾ ਵਮਮਾਤੀ ਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਕੌਲੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਮਹਿਯਾ ਵਮਮਾਤੀ ਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਨਵਾਲਿਆ ਵਰਬਾਨਾ अल्लाह ने फरमाया जिक्र भी तेरे वास्ते बुलंद फरमाया अलम नशरह लका सदरक फरमाया तेरा सीना भी तेरे वास्ते खुलया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना अल्लाह ने फरमाया सोनिया फतह भी तेरे वास्ते वलिया गफिर लकल्ला मगफिरत भी तेरे वास्ते अर्ज की अल्लाह इंज क्यों पिया कहना है अल्लाह फरमा कमली वाली आओ जे तेरी नमाज भी मेरे वास्ते तेरी कुर्बानी भी मेरे तेरा आना भी मेरे वास्ते तेरा जाना भी मेरे वास्ते ते तेरा सारा कुछ मेरे वास्ते वे मैं रब भी दसना चाहना मैं जो पिया करना तेरे वास्ते पिया करना ए कहंदा मेरा सारा कुछ तेरे वास्ते ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਲੌਲਾ ਕਲਮ ਖਲਕਤੁ ਲਫਲਾਕ ਲੌਲਾ ਕਲਮ ਖਲਕਤੁ ਅਫਲਾਕ ਲੌਲਾ ਕਲਮ ਖਲਕਤੁ ਦੁਨੀਆ ਲੌਲਾ ਕਲਮ ਅਜ਼ਹਰਤੁ ਰਬੂਬੀਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਬਣਾਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਰਨੇ ਆ ਲਫਜ਼ ਲਾਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜਾ ਕੀਤਾ ਚਲੀਏ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਪਈ ਲੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਥੋੜਾ ਲੰਗਰ ਕਰੂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਗਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪਲਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਓ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਸਵੇਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਨਿਆਦੀ ਮਰੂਮ ਨੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜੁਗੀ ਦਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਕੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਕੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਕੀ ਤਿਆਰ ਨੇ रब मैं फिला सजाइया ने सरकार वास्ते ए सरकार वास्ते रब मैं फिला सजाइया ने सरकार वास्ते और दिल याद लई बनाया है अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते की नकी तैयार ने एक यार वास्ते वाले कहते ने मेरी नमाज तेरे वास्ते मेरी कुर्बानी तेरे वास्ते मेरा आना तेरे वास्ते मेरा जाना तेरे वास्ते तो तू आवाज आंदी है वरफाना अल्लाह का जिक्र रख असा तेरा जिक्र तेरे वास्ते बुलंद कीता जो पे करने आ तेरे वास्ते पे कर अस सारा कुछ तेरे वास्ते पे कर आया ग्रामी कदर हजरात अल्लाह ने अपने महबूब करीम अलैहि सलाम दे जिक्र नु भी बुलंद फरमाया ते जेड़ा नबी दे नाल लग जाए ओ भी बुलंद हो जाता है। एक दिन जिब्रील अमीन आए मेरे नबी को वही लेके वही सुनामा लगे थे नबी करीम ने फरमाया रोज उधर पैगाम लगे उन्हें कदे मेरा भी ले जाया कर अर्ज की सैयद आलम हुक्म होवे फरमाया जा मेरे मालिक नु पूछ के आके या अल्लाह तेरा हबीब पूछदा है कि तेनु कायनात च सारे तू चंगी जगह केड़ी लगदी है ते मंदी जगह केड़ी लगदी है। जिब्रील बड़े चाई चाई गए थोड़ी देर के बाद जब वापस आए ना ते जिब्रील दा रंग उड़िया ते बाल बिखरे ते हाल बेहाल नबी पाक वेख के फरमान लगे जिब्रील एक ही हालत बनाई अर्ज की या रसूल अल्लाह रोज अल्लाह दा पैगाम लेके आउंदा सज पहली बार तो हाडा लेके गया साना ते मैं सिदरतुल मुंतहा ते जाके अर्ज की या अल्लाह तेरे माही दा स्नेहा लेके आया पैगाम लेके आया या अल्लाह तेरे महबूब दा एक मैं स्नेहा ते पैगाम ते मैसेज लेके आया अर्ज की या रसूल अल्लाह जे मैं इन्ना आख्या ते अल्लाह दी आवाज ए जिब्रील जरा नेड़े आ जा की कमली वाले नेड़े हो अल्लाह दी आवाज आई होर नेड़े आ जा होर नेड़े गया अल्लाह दी आवाज आई होर नेड़े आ जाओ आज अल्लाह ने ना करीब ला लिया मेरे ते अल्लाह दे दरमियान 70,000 पर्दे रह गए उत जलिया दबे के आया जड़ी मेरी बर्दाश्त च कोई नहीं अर्ज की थी कमली वालिया आज तेरा पैगाम लेके गया सा अल्लाह ने मेनू इनिया बुलंदियां अदा कर दितिया नाजर लोबाना वाले कुर्बो जवार देने वाले हो जेड़ा नबी दा पैगाम लेके जावे उते इना बुलंदी ते जांदा है ओ किथे पहुंचदा होवेगा किदे सिर ते रब ने वरफाना दा ताज पाया कौन बयान करे जिदे सिर ते रब वरफाना अल्लाह का जिक्र रखदा ताज पा देवे फरमाया सोनिया वरफाना अल्लाह का वरफाना जिक्र रख दी गल बाद च करांगे पहले वरफाना अल्लाह का दी ना कर लईए फरमाया सोनिया आ जड़ी रिफत है ना जड़ी बुलंदी है लाका तेरे वास्ते तेरे वास्ते बुलंदी तेरे वास्ते अल्लाह ने बुलंदियां दा मालिक महबूब नु बना दिता फरमाया जिन्नू दिल करे ना उन्नू बुलंद कर दे उहदा नां दिल करे ते अबू लाह वर्गे गोरे नु बुलंद ना करे उहदा दिल करे ते बिलाल वर्गे काले नु बुलंद कर दे अबू लाह बड़ा गोरा सी इतना गोरा रंग सी कि अबू लहब दा असल नाम सी अब्दुल उज़्ज़ा मगर लोग उन अब्दुल उज़्ज़ा नहीं सन कहंदे लोग उन कहंदे सन अबू लहब लहब अरबी दे अंदर अग दे शोले नु कहया जांदा जदों अग भड़क के सुरख हो जाए ना उनु लहब कहया जांदा है अबू लहब दा चेहरा इतना सुरख सी इतना सफेद सी कि लोग उन कहंदे सन अबू लहब इस शोले दा भी बाप है
मैं अर्ज की अल्लाह तेन कि लगता है 8 किलो सोने का मालिक सी जो लोग खावन लुकमा नहीं सी मिलता अबू लहब के घर उस दिन भी 8 किलो सोना मौजूद अर्ज की अल्लाह तेन कि लगता है अल्लाह ने रिजा फरमाया तब्बत यदा अबी लहबी तब परवरदिगार ने फरमाया बोला बा तेरे हाथ टूट जाना बर्बाद हो जाए अर्ज की दिया अल्लाह गोरा ही बड़ाए अर्ज की दिया अल्लाह सोना ही बड़ाए 8 किलो सोने का मालिक अल्लाह ने फरमाया सोना नहीं लगेगा क्योंकि ने मेरे यार का रंग नहीं चढ़ाया अर्ज की दिया अल्लाह फिर सोना कौन है फरमाया मक्के दे एक मोहल्ले जाति मारे रंग का भी गोरा है जात का भी चौधरी है 8 किलो सोने का मालिक है फरमाया सोना नहीं लगेगा फरमाया मक्के दे दूसरे मोहल्ले जाति मारे रंग का भी काला है जात का भी गुलाम है टूटी हुई जुती पान वाला उदा लिबास तार तार है हालत दिल सिगारे चेहरे ते कर दो गबार है आबाद आई एदे नाल ही प्यार है क्योंकि एदा नाम बिला गोरा सोना नहीं लगा ते काला सोना लग गया क्यों ओ यार दा ना ते यार जिन्नू चावे बुलदियां दे देवे जिन्नू चावे बुलदियां दे दे याद है जे जदों फत्ता मक्का दा दिहाड़ा ते मेरे नबी ने फरमाया बिलाल उठ ते काबे दी छत ते चढ़ के अजान पढ़ आ मैं तेनू बुलंदी सुनावा ते गुलामा दी तवज्जो है अजे मैं शुरू होया मैं कर रहा अपना रांझा राजी ते तुहाडा जे रांझा मैं राजी करना है मैं जेड़ी आयत पढ़ी पहले मैं ते बहस कर लवां फिर मैं तुहानू आरज़ूए मदीना सुना लई 10,000 सहाबा खड़े मक्के दे सारे चौधरी खड़े पर जब काबे ते छत दे अजान दी आवारी आई ते मेरे नबी ने किसे चौधरी नू नहीं बुलाया किसे गोरे नू नहीं बुलाया किसे अरबी नू नहीं बुलाया मेरे नबी ने काले नू बुलाया चौधरी नू नहीं गुलाम नू बुलाया ते अरबी नू नहीं एक हबशी नू बुलाया वो जिदा चावे उच्चा नाम कर छड़दा मेरे नबी फरमा बिलाल जी सोना फरमा काबे दी छत चढ़ के अजान पढ़ बिलाल रोन लग पे थे अर्ज की थी यार रसूल अल्लाह मक्के दे चौधरी खड़े ने पर साहब माइक चेंज ना कर लिए मेरा ख्याल है अगर वो है ना वो वाला दिखाओ बेटे माइक इन्हों जरा नक्शबंदियां दा पेशवा अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत मियां शेर रबानी मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमा पुत्र दो चौधरी होंगे ने तू कि बनना चाहना है हजूर केड़े होंगे ने फरमा जो को मुरबे हो भी चौधरी होंगे जो को माल डंगर वल हो चौधरी होंगे पुत्र जो को गड्डी शड्डी वल हो बैंक बैलेंस हो माल चीज ठीक हो चौधरी कहते हैं उन्हें अर्ज की दूसरा चौधरी केड़ा होंगे फरमा पुत्र जो मुरबिया वाला चौधरी मर जाए चौधर मुक जाती है कमली वाले का कमी बन के मर जाए कब्र च भी चौधर जोंदी रहे असल चौधरी वो होंगे जो मुस्तफा के फकीर बन जाए बिलाले हबशी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मक्के दे चौधरी खड़े ने अर्ज की या सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इन्ना तो मैं ऊंचा किवें हो जावा फरमा बिलाल तू काबे दी छत ते चढ़ जा मैं दुनिया दे चौधरियों नु एही दसना चाहना दुनिया दे चौधरियों तुहाडे नाल मुहम्मद दे कमी दा मुकाम बहुत आ जाए नौजवानों जड़े वेले बिलाल काबे दी छत ते आ गए बिलाल ने कन्ना चुगलियां लिया बिलाल दौन पड़ी जा रहे बिलाल दौन पड़ी जा रहे लोगों ख्याल आया काबे दी छत ते चढ़ के दौन पड़ रहे हैं काबे वाल चेहरा करके दौन पड़ी दी है बिलाल जिधर चेहरा करके दौन पड़ी जा रहे हैं लोग बिलाल दा इश्क वेख के रौन रह गए बिलाल दौन पड़ी जा रहे हैं पड़ी जा रहे हैं पड़ी जा रहे हैं जिधर
दर जिधर कमली वाला टुरी जा रही है, बिलाल उधर उधर मुड़ी जा रही है, मुड़ी जा मेरा दिल कर दे तर्जमा मैं हजरत मियां मोहम्मद बख्श कुल करवा के देवा। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह, या अल्लाह जेड़ा उच्चा जे सुभान अल्लाह बोले उदे सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ हो जावन। या अल्लाह हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले पांच वक्त दा बा जमात नमाजी हो जावे, ते जेड़ा इस तो उच्चा बोले अपनी अम्मी नु अम्मी जी ते अबू नु अबू जी कह के बुलावे करे। माशाल्लाह हजरत साहब तशरीफ लेके आए, मैं खुश आमदीद कहना जी। बिस्मिल्लाह जी अहमद रजा साहेब भी अलामा साहेब किबला नारिया चक तो तशरीफ लेके आए, मैं आपको भी खुश आमदीद कहना। अलामा साहेब किबला भी तशरीफ ले, मैं खुश आमदीद कहना। पता चलिया कि बिलाल काबे की छत चढ़े तो मेरे नबी ने चढ़ा के दसिया कि मैं बुलंदियों का ताजदार हाँ, मालिक हाँ, बराफाना लाका। फरमा बुलंदी तेरी है महबूबा, जिन्होंने दिल करे बुलंद कर दे, उदा ना दिल करे तो अबू लाभ नू बुलंद ना करे, उदा दिल करे तो बिलाल नू बुलंद कर दे। बिलाल काबे की छत चढ़ के दुनिया नू दसिया तर मुर्शिद दा, तर मुर्शिद दा वाला चल तबारा मली लख 24,000 का मवेश अंबिया आए सारे अजमत वाले सन, सारे बुलंदियां वाले। ला नुफरिकु बैन अहदिन मिन रुसुली, अल्लाह फरमा सी रसूलों च फर्क नहीं करते, नफ्से नबूवत च सारे नबी बराबर ने। पर जद आई ना दर्जिया की वारी ते अल्लाह फरमा तिलका रुसुल फद्दल्ला बादहुम अला बाद, फरमाया ए रसूलों की जमात असा बादियां नू बादियां ते फजीलतां अता कीतियां। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात, अल्लाह फरमाया इन चुक जो ने जिन्ना ने अल्लाह ने कलाम किया ते एक ओ वजी ते रब ने दर्जे बुलंद फरमा देते ने। ओ दर्जे कितने बुलंद किए, मैं उसे बुलंदी का जिक्र करना। व रफा बादहुम दरजात, ओ जिदे दर्जे रब ने बुलंद किए, आओ दा तज़करा करिए। नबी सारे सोने सारे अजमत वाले, पर जद आई ना सोने की वारी ते मैं इन्हें जो पढ़िया करना ही हूं तो सारे नबी मुहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। अच्छा हूं मैं पढ़न लगा तो मेरा दिल करता मैं तुहानू नाल मिला के पढ़ा। अच्छा कि दिल करता जब मैं कियामत नूं उठां तो मेरा नाम नबी पाक दे नात खाना च लिखा हो, बंदा हाथ खड़ा करो नीवे ना करे। जे मैं वेखना किन्ने नहीं हाथ खड़ा किया, बड़ा थले कर लो। हुण तुसीं सोचो ब्यासी साहब ने हाथ क्यों खड़े करवाए, तो मैं पहले ही दस जावां। मैनूं याद आई एक माई वो जड़ी मिसर दी मंडी च जा रही थे, मुंडे रश बड़ा थे, आखे वे मुंडे हटो वे बचो वे रस्ता दियो। वो मुंडे आखे अम्मा किधर आ रही, कह लगी सुनिया यूसुफ या वेखदा है, आख्या वेखदा पर तू किधर, कह लगी मैं भी खरीदन आई हाँ। मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी की जुबान च मुंडा बोल के कह लगा शाहे मिसर दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी, अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया है भारी। उन्हें आख्या अम्मा मैं वेख के आया रश बड़ा, पर अगर तराजू ते तरकड़ी लगी है, एक पासे यूसुफ बैठे ने ते एक पासे अजीज मिस्र दा कुल खजाना रखिया गया, ते खजाना सारा मुक गया ते यूसुफ दा पल्ला अजे भी भारी है। क्यों? क्योंकि नबी ना कौन तुल सकदा सी। ते कहन लगा जे तो माई आ ही गई है ते कादे तो यूसुफ खरीदन आई है। माई कहन लगी पुत्र मैं ऐलान सुन के आई हाँ, यूसुफ उन्होंने मिलना जरा सारी दौलत लेके आवेगा, ते मैं सारी लै आई हाँ। मुंडा कह लगा अम्मा तेरी सारी दौलत है किन्नी, ते कहन लगी पुत्र मैं 12 सिर सूत्र दियां अटियां कट के रखियां, मैं सारियां ले आई हां।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਯੂਸਫ ਕਸੂਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਏ ਤੇ ਮਾਈ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਯੂਸਫ ਤੇ ਅੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਮਹਫਲੇ ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਬਿਲਾਲੇ ਹਬਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੂਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਲ ਕੇ ਨਾਥ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਪੜੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਨਾਥ ਖਾਨਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾਬਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਧਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਾਥ ਪੜਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जी मैं सुना देना हाथ खड़ा करो जिन्हें नबी पाक की नात मेरे रल के पढ़नी भाई जिन्हें हाथ खड़े किए तुम तो पढ़ोगे ना जिन्हें नहीं किए उन्होंने नसीब ने मैं पढ़ांगा यूं तो सारे नबी मुहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी जदों मैं कहां ना तेरी ते जिन्नू हुजूर दा उम्मती होते नाज़े हाथ चुक के नारा मार के आखे क्या बात है तेरी इंजने सारे हाथ चुक के नारा लगाओ कि तेरी वे साडे आ कमली वाले आ तेरी वे साडे आ ढोलना तेरी वे साडे आ माईया तेरी इत्ते ही हाथ रख के उन सारे मिलके पढ़ना है मैं दो तर्जमा जे कर रही हूं तो सारे आए नबी मोहतरम है मगर सरबरे अंबिया तेरी तेरी क्या बात है रहमते दो जहां एक तेरी जात है तेरी 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 क्या बात है उज पे आदम सफीउल्लाह नू नदीउल्लाह इब्राहिम खलीलउल्लाह इस्माइल जबीउल्लाह दाऊद खलीफतउल्लाह सुलेमान नबीउल्लाह मूसा कलीमउल्लाह ईसा रूहउल्लाह पर रहमतें दो जहां एक तेरी जात है